गाड़ी खराब हो गई थी तो हमें फोन कर देता, हम दूसरी गाड़ी भिजवा देते। और तुझे खराब गाड़ी लेकर जाने की जरूरत क्या थी? पापा ना करे, तुझे कुछ हो जाता तो। अरे काय बोलती तू सुरेखा, अरे पापा को थैंक्स बोल, बहुत बड़ी मुसीबत टल गई है। सोच नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं अपनी फैमिली को धोखे में नहीं रख सकता। मुझे इन्हें सच बताना ही होगा। ईशा चल जल्दी से तैयार होकर नीचे आ। हाँ? चल। अक्का साहब, काका साहब, वो मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बात बात बाद में, पहले तैयार हो और नीचे आ। बाद में बात नहीं हो सकती काका साहब, ये बात अभी करनी जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है। काका साहब, वो दरअसल मैंने और बड़ा सब सब ठीक है ना? ओ पानी, गला सूख रहा है मेरा। हाँ। ईशान अभी तू पानी पी, ज्यादा सोच मत और बता क्या बात है। काका साहब। हाँ बड़ा। काका साहब, वो मैं हॉस्पिटल में गया था तो सभी की बहन, मेरा मतलब है जो सभी की ताई है हरिणी जी, वो उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। सभी? फिर से सभी? मुझे तो पता ही था ये लड़की तुझे बार बार परेशान करेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि वो लड़की की प्रॉब्लम क्या है। तेरे अलावा कोई मिलता नहीं है उसे परेशान करने के लिए क्या? अरे सुरेखा एक मिनट, पहले बोलने तो दे उसे कि बात क्या है, बोल तू। सभी ने कुछ नहीं किया का साहब, वो दरअसल वो सभी की ताई हरिणी जी, उनकी हालत बहुत खराब, वो सीरियस थी बहुत। हाँ तो डॉक्टर ने कहा कि वो बच नहीं पाएंगी, वो मर जाएंगी। समझ गया मैं, हम जो कर सकते हैं सब करेंगे। तेरे कितने पैसे चाहिए बता मेरे को। दिल्ली से डॉक्टर बुलाओ, लंदन से बुलाओ, तू बोल वैसे ही होगा। लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन बड़ा, सभी सवान तेरी सिर्फ एक स्टूडेंट है, उसके साथ तेरा कोई रिश्ता नहीं है। तेरे ससुर ने बहुत बड़ा उपकार किया, जो अपनी जमीन थी ना मुंबई वाली, इसके पैसे अटके थे, वो पूरे पैसे निकाल के दिए हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपने बहू का ऐसा स्वागत करें कि दुनिया देखे और बोले कि क्या ससुराल है। बड़ा देख, मैंने तेरा सूट निकाल कर रख दिया है, अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। तब तक मैं अपने हाथों से तेरे लिए अदरक वाली चाय बनाती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। गॉड, क्या करूं? मैंने कैसे बताऊं कि मेरी और सभी की शादी हो चुकी है? कितने एक्साइटेड है ये लोग। रीवा से जाके बात करता हूं। दुर्वा, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मुझे रीवा से कुछ बात करनी है। आ जाओ ईशान, तुम ठीक तो हो ना? कहीं मुझे मिसेस भोसले बनाने का आइडिया ड्रॉप तो नहीं कर देना मिस्टर भोसले?